Hello, a very, very lovely morning from here in Delhi, and hope that each one of you, as always, are absolutely hale, hearty and happy. So quite obviously, each one of you are absolutely keen to know actually what we are going to take up in this particular session and of course the upcoming ones. So we have decided now to pick up a unit which has been newly added to your course, that is accounting for GST. So as far as your module is concerned, 2-3 pages have been devoted to it and 2 comprehensive questions have been given over there also. Obviously, in order to what we call cover up those questions, we on our part definitely will pick up some our own constructed illustrations to first of all equip you with the basics of accounting of GST, and once you will become thorough with it and completely proficient with it, so then we shall take up those 2 questions also. Good thing about this particular chapter is that each one of you are absolutely very well aware of all the concepts, because you have a separate subject for GST, but as far as accounting is concerned, we are going to pick up that particular aspect with great stress during these upcoming sessions. We hope to finish GST in 4 or 5 sessions, correct? So here we go and come to the business end. तो बेटे जीएसटी, जैसा कि मैंने कहा कि हम स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, और कुछ लम्हा पहले मैंने ये भी कहा कि जीएसटी का जहां तक सवाल है, तुम्हारे मॉड्यूल में 2 या 3 पेजेस डिवोट करे गए हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव 2 क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी हमने कवर करना है. तो अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, दिस इज़ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विथ. जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने ये भी कहा, अच्छी बात ये है कि मोस्टली जो इसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो तुम्हें पहले से ही आते हैं. अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब मुझे इसमें क्या बताना है, मोस्टली चीज़ें तुम्हें अच्छी तरह पहले ही मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ इनपुट्स हम देखने की कोशिश करते हैं. तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सभी को मालूम है, स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. करेक्ट. सबको मालूम है कि जीएसटी जो है, डेट इज इम्पोज्ड या लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. करेक्ट. हमें यह मालूम है कि जीएसटी इज लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेस. आप और मैं किसी भी तरीके के गुड्स सप्लाई करें या सर्विसेज दें, उस पर हमें जीएसटी देनी पड़ेगी. बोथ गुड्स एंड सर्विसेस, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ, लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ, क्या लिखाना चाहता हूं मैं, सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वा. कोई मीनिंग ना पूछे इसका, करेक्ट. फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज पर ये लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी इम्पोज होगी, इस पर किसी तरीके का डाउट नहीं है. लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखाया कि एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, करेक्ट. तो सर क्या इस पर कोई टैक्स नहीं लगता? इस पर बहुत सारे टैक्स लगते हैं बेटे. पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है, एक सिन टैक्स भी होता है, SIN, सिन टैक्स. सिन का मतलब ही होता है पाप, सुना है ना आपने. तो यहाँ कुछ सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स ऑफ कोर्स वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत डिग्रेडेड माने जाते हैं, ख़राब माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं. तो उस पर बहुत सी कंट्रीज जो है सिन टैक्स या बड़े हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस इम्पोज करते हैं. कई जगह तो टैक्स जो है वो 250 टाइम्स है. अगर कॉस्ट आपकी 100 है तो उसका 250 टाइम्स भी आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो इतना ज़्यादा टैक्स है कई जगह. तो एनीवे,
तो ये मैंने आपको बताया, लेकिन अब मुझे जो मेन चीज़ें बतानी है वो ये कि हमें क्या, आपको तो पहले मालूम ही है लेकिन फिर भी सबको मालूम है कि जीएसटी से पहले क्या था, अब जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ। अब जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ, जीएसटी के आने से कुछ टैक्सेस रिप्लेस हो गए, करेक्ट, फॉलोइंग टैक्सेस रिप्लेस्ड, यानी कि जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड, हम कह सकते हैं अब जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड। अब जीएसटी के आने से जो पहले कुछ सेंट्रल टैक्सेस लगते थे और जो स्टेट टैक्सेस लगते थे वो रिप्लेस हो गए, यानी कि ये टैक्सेस अब नहीं लगेंगे। कौन कौन से वो टैक्सेस है, जस्ट नॉलेज के लिए, हालांकि मैंने कहा ये सब चीज़ें आपको मुझसे बेहतर मालूम हो सकती है क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट है जीएसटी। हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ प्रीव्यू हमने लिया, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जीएसटी से पहले कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती थी, हैज़ रिप्लेस्ड टैक्सेस लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैंने सीजी जो लिखा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कौन कौन से वो टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी लेकिन अब वो रिप्लेस हो गए हैं, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पूरा लिखूं या, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आपने सुनी हुई है, बहुत सारी एक्साइज ड्यूटीज़ पहले लगती थी, तमाम गुड्स पे लगती थी, मेडिसिन पे लगती थी, इवन क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल्स पे लगती थी, और कई तरीके के जो इक्विपमेंट्स होते थे उन पे भी लगती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़। तो एक तो ये हटा दी गई हैं, यानी कि अब ये प्रोमिनेंस में नहीं है, प्रिवलेंस नहीं है, करेक्ट, इनको रिप्लेस कर लिया गया। इनफैक्ट अब देयर इज़ अ सिंगल टैक्स जीएसटी एज ईच वन ऑफ यू नो, करेक्ट। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के अलावा आपने सुना होगा कस्टम्स ड्यूटी, इजंट इट, कस्टम्स ड्यूटी। इसी तरीके से सर्विस टैक्स, पहले सर्विस टैक्स भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, आप मोबाइल रिचार्ज करते थे उस पर सर्विस टैक्स देते थे ना, याद आया आपको। तो ये अब चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं, ये जो टैक्सेस थे, हो सकता है मुझसे कुछ छूट गए हों, मुझे सारी चीज़ें ना पता हों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ सरचार्ज होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, सरचार्जेस एंड सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो सरचार्ज एंड सेस, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, अब वो रिप्लेस हो गई हैं, अब ये प्रोमिनेंस में नहीं है, अब जीएसटी है। इसी तरीके से कुछ टैक्सेस जो होते थे वो लेवीड करे जाते थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, टैक्सेस लेवीड बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेवीड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एसजी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती थी, आपने वैट का नाम सुना ही है, स्टेट वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, अब ये नहीं है। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, ये भी अब नहीं है। लग्जरी टैक्स, करेक्ट, ये सब स्टेट इम्पोज करता था, यानी कि इसका रेवेन्यू जो था वो स्टेट के पास आता था, इसीलिए जब जीएसटी लाई गई तो उस वक्त बहुत से स्टेट्स जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे जीएसटी के अम्ब्रेला का पार्ट बनने के, करेक्ट। लग्जरी, इसी तरह एंट्री टैक्स होता था, याद है आपको, आप जब स्टेट में एंटर करते थे एंट्री टैक्स सामान पे लगता था, कोई सामान लेकर के जब आप एंट्री करते थे। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स भी था जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये सारे के सारे टैक्स जीएसटी के आने से ख़त्म हो गए। एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स है वैसे पूरा नाम। उसके अलावा अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते थे, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, ख़ासतौर से जब आप बड़ी बिग होल्डिंग्स वगैरह स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट्स में लगाते थे, तो स्टेट गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स लेती थी, स्टेट एडवर्टाइजमेंट। उसके अलावा किसी स्टेट से जब आप कुछ सामान खरीदते थे तो उस पर भी टैक्स लगता था, उसको परचेज टैक्स बोलते थे। तो इतने सारे टैक्सेस जो हैं ख़त्म हो गए हैं। फिर स्टेट भी कुछ सरचार्ज लगाता था गुड्स एंड सर्विसेज पे,
सरचार्ज एंड सेस। सरचार्ज एंड सेस जब मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है सरचार्ज एंड सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं तो सरचार्ज तो अभी भी है ना, जब आप मैं इनकम टैक्स वगैरह पे करूँगा तो उस पर सरचार्ज और सेस तो मैं दूंगा ही, लेकिन हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इतने सारे टैक्सेस, ये 10-20 टैक्सेस जो हमें बहुत तंग करते थे, अच्छी चीज़ ये होगी कि अब हमें सिर्फ GST के बारे में पढ़ना है। इज इट क्लियर टू यू? नहीं तो पहले हमें इतने सारे टैक्सेस पढ़ने थे। तो यहाँ तक सवाल है इसका, ये तो आपके लिए एक तरह से बहुत अच्छा हुआ कि इतने सारे टैक्सेस अब आपको नहीं पढ़ने हैं, करेक्ट। दूसरी चीज, जाहिर है कि जब GST आया, इतने सारे टैक्सेस को उसने रिप्लेस कर दिया, तो इसके हमें क्या फ़ायदे हुए? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ, जो कि आपको मुझसे ज़्यादा पता है, मैं जानता हूँ इस बात को और मैं इस बात को तहे दिल से स्वीकार भी करता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ GST, करेक्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे पहले आंसर दे देंगे। पहले क्या होता था, एक स्टेज मैंने गुड्स प्रोड्यूस करे, दूसरे को बेचे, दूसरे ने तीसरे को बेचे, तीसरे ने चौथे को बेचे, फिर फाइनली इसका कंजम्पशन हुआ। लेकिन जो ये बीच की स्टेजेस थी, हर स्टेज पे टैक्स लगता चला जाता था, जिससे क्या होता था, कॉमोडिटी का प्राइस जो है बढ़ता चला जाता था और अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस देना पड़ता था। तो इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, करेक्ट। आपने सुना है ना कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग का मतलब है मल्टीपल इफेक्ट, बड़ा बढ़ता हुआ इफेक्ट। कैस्केडिंग में गिरता हुआ नहीं होता है, बढ़ता हुआ इफेक्ट, तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो दो फायदे जो सबसे मेन बेनिफिट GST के हुए, एक तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, रिडक्शन इन कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, CASCADING, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। तो टैक्स पहले मल्टीप्लाई हो जाते थे हर स्टेज पे, मैंने आपको बेचा, आपसे टैक्स चार्ज करा, आपने इसको आगे बेचा, उस फिर आपने टैक्स चार्ज करा, ऐसा करते 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 उसका प्राइस जरूरत से ज़्यादा हो जाता था। दूसरा फायदा यही हो गया, बिकॉज कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस कम हो गए तो रिडक्शन इन प्राइसेस हो गए, ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइसेस, ये इसका एक और फायदा हो गया, ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइसेस। कि नहीं, मुझे आज GST अगर फिलअप करना है तो सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि सब काम मुझे खुद ही करना है, ये बड़ा सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, मुझे खुद ही कंप्यूटेशन करनी है, खुद ही करना है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। इसलिए सिस्टम की एक विशेषता ये भी है कि इसको हम कहते हैं कि ये सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम है, सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम, आप खुद ही रेगुलेट करेंगे, सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम। उसके बाद जाहिर है कि जब हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस कम हो गए, प्राइसेस कम हो गए, तो इनडायरेक्टली इट हेल्प्स इन व्हाट वी कॉल रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। तो एक फायदा इसका ये भी हो गया, एटलीस्ट कहने के लिए ये टैक्स सिस्टम, मैंने कहने के लिए क्यों कहा, वैसे तो ये सिंपल ही है, हालांकि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इट इज अ सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम। क्योंकि पहले दुनिया भर के टैक्सेस होते थे, नंबर वन, फिर प्रोविजंस अलग होते थे, रेट्स अलग होते थे, वो याद ही नहीं होते थे। तो अब इसमें हम देखेंगे GST में चार रेट्स हैं, ब्रॉड रेट्स जो चार हैं, सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम या रेजीम भी बोलते हैं लोग, करेक्ट। तो ये इसके मेन फायदे हैं, करेक्ट। आइए जी, जो मैंने मेन फायदे कहा, उसके अलावा अब ये तो कुछ नॉर्मल बातें थी, मैंने कहा इसमें मैंने कोई आपको नई चीज़ नहीं बताई, बल्कि आप ही मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें बता देते। अब जो मेन मुद्दा है हमारा, वैसे मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ फिफ्थ, अब मैं आता हूँ GST के रेट्स पर, क्योंकि अब हम धीरे धीरे अकाउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। GST रेट्स, अभी कुछ लम्हा पहले मैंने कहा GST के जो रेट्स का जहाँ तक सवाल है, पाँच ब्रॉड रेट्स हैं। कौन कौन से रेट्स हैं, पाँच ब्रॉड रेट्स? एक तो हैं
5% का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, गलती अगर मुझसे कोई होगी तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, 12% और 18% और उसके अलावा शायद 28%, ये सब आपको मालूम है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। नो डाउट कि जीएसटी के कुछ, जीएसटी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट भी हैं, उन पे जीएसटी अप्लाई नहीं होती है, कुछ ऐसे भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं। उसके अलावा इसमें तुम्हें शायद ये मालूम नहीं, ये तो ब्रॉड मैंने कहा टैक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अलावा कुछ रेट स्पेशल रेट भी हैं, ये कई बार बच्चे इसका ख्याल नहीं करते, जीएसटी के अंदर कुछ स्पेशल रेट्स भी हैं जैसे, और वो रेट जो हैं, अब सारे तो लिखाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, लेकिन वो 3% से लेकर के 0.5% के बीच में हैं, करेक्ट। जनरली ये रेट्स जो हैं ये फॉर प्रीशियस मेटल्स हैं, स्पेशल रेट्स हैं इनके लिए, प्रीशियस मेटल्स के लिए। एक मैं जरा थोड़ा सा ना इसको शीट का लगता है जूमिंग ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि शीट आपकी आ नहीं पा रही है, अब ये आ रही है। तो कुछ स्पेशल रेट्स भी है जो मैं बता रहा था, कई बच्चों को एकदम से पता नहीं होता कई बार, तो ये भी ध्यान रखना है, अगर मैंने कोई लग्जरी आइटम है उस पर जीएसटी मैंने पे करी, लेट अस से 28%, तो अगर मैं 28% की जीएसटी पे करूँगा तो उस पर मुझे कुछ सेस भी देना पड़ सकता है, सेस ओवर पीक रेट, पीक रेट का मतलब जो सबसे ऊंचा रेट है, पीक रेट ऑफ 28% ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी गुड्स, कुछ लग्जरी गुड्स स्पेसिफाइड हैं तो उस पर 28%, एक सेकेंड, लग्जरी गुड्स करेक्ट, लग्जरी गुड्स भी हैं, और अभी कुछ लम्हा पहले मैंने आपको कहा सिन गुड्स हैं, सिन गुड्स का मतलब जो सोसाइटी के लिए खराब गुड्स माने जाते हैं, करेक्ट। अगर उस पर आप 28% टैक्स दे रहे हैं तो कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स पे आपको सेस भी देना पड़ सकता है, करेक्ट। जीएसटी के रेट्स के बारे में मैंने बताया, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, जीएसटी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड लिमिट, THRESH, थ्रेशहोल्ड लिमिट, इसका क्या मतलब है थ्रेशहोल्ड लिमिट का मतलब, थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर एग्जेम्प्शन, कितनी है, ₹20 lakhs है। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ या मैं सर्विसेज का क्रिएटर हूँ, सप्लायर हूँ, लेकिन मेरा टर्नओवर अगर 20 लाख से कम का है एनुअल ऑफ कोर्स, तो उस केस में मुझे फिर देने की ज़रूरत नहीं है जीएसटी, भले ही मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ या मैं कोई गुड सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से कम है तो मुझे जीएसटी से एग्जेम्पशन है, इज इट क्लियर टू यू। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँगा, ये जो लिमिट है, इस लिमिट के अंदर आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इट इज़ ₹10 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, करेक्ट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर एग्जेम्पशन ₹20 lakh और ₹10 lakh फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को JNK का अभी एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब, जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि कुछ एब्रोगेशन हो गया है आर्टिकल 370 का, तो अब वो स्पेशल राइट JNK के नहीं हैं, तो अब क्या वहाँ पर जीएसटी की जो प्रॉपर एग्जेम्पशन लिमिट है क्या वो स्पेशल कैटेगरी वाली है या नॉर्मल 20 लाख वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू राइट नाउ आई डू नॉट नो, एनीवे तो लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए ये नहीं लिखाया क्योंकि
कई जगह ये सेंटेंस लिखा रहता है ₹10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट जे एंड के, लेकिन तो मैंने जानबूझ के अब एक्सेप्ट जे एंड के यहाँ पर नहीं लिखा है कि बिकॉज अगर एब्रोगेशन थ्री अगर 370 आर्टिकल नहीं है आप पॉलिटिकल फील्ड्स में तो इसका मतलब जे एंड के भी यहाँ पर इसमें आएगा. इज इट क्लियर टू यू? लेकिन आना तो चाहिए, लेकिन राइट नाउ आई डू नॉट हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. तो एनीवे तो मेन चीज़ जो है वैसे तो 20 लाख है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जहाँ 10 लाख है, करेक्ट. उसके बाद आइए जी, अब जो मुझे मेन मुद्दा आना है वो किस बात पे आना है, जाहिर है अकाउंटिंग पर आना है, क्योंकि हमारा तो मेन कंसर्न अकाउंटिंग से है ना. अकाउंटिंग, अब जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है तो अकाउंटिंग को समझने के लिए पहले तो आपको क्या समझना होगा, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो जीएसटी है वो कितने प्रकार के, काइंड्स ऑफ जीएसटी, काइंड्स ऑफ जीएसटी, काइंड्स ऑफ जीएसटी, करेक्ट. बाद में हम देखेंगे कि जहां तक जीएसटी का सवाल है, एक तो है उसके अंदर सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट निकल गया मुंह से, सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी हम बार बार यूज करेंगे. उसके बाद है एसजीएसटी, एस का मतलब स्टेट से है, तो स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. और एक टर्म मैं बाद में लेकर के आऊंगा, करेक्ट, वो है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये सब क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा. वैसे तो ये तीन कैटेगरी हैं, लेकिन अब इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरी भी है, तो यूनियन यानी कि स्टेट की जगह वो यूनियन है, तो वहाँ पर हम स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बजाय वर्ड जो यूज़ करेंगे वो करेंगे यूनियन टेरिटरी जीएसटी. यानी कि ये दोनों तकरीबन तकरीबन सेम चीज़ है. टेक्निकली स्पीकिंग देर आर थ्री कैटेगरीज. इज इट क्लियर टू यू? पहले तो ये मालूम आपको होना चाहिए. अब कहानी क्या आती है जरा ये समझने वाली है, और यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब हम देखेंगे कि जो जीएसटी पे करा जाता है वो कैसे करा जाता है. इज इट क्लियर टू यू? दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. पहले तो इन टर्म्स में ना बच्चे कई बार बड़ी कंफ्यूजन करते हैं. एक तो आपको समझना है कि इंट्रा स्टेट, जब भी मैं बोलूं इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट, तो इसका मतलब है कि अगर ये स्टेट है, ये एक स्टेट है, करेक्ट. अगर मैं इंट्रा स्टेट बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं एक ऐसी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं जो कि दो ट्रेडर्स के बीच में हो रही है विद इन द सेम स्टेट, स्टेट के अंदर ही अंदर. मान लेते हैं ए ने सामान बी से खरीदा या बी ने सामान ए को बेचा, तो ये ट्रांजेक्शन एक ही स्टेट के अंदर है, हम मान रहे हैं ये एक स्टेट है, करेक्ट. तो इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन द स्टेट. एक तो ये टर्म आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी पड़ेगी, विद इन द स्टेट. एक टर्म हम यूज करेंगे इंटर स्टेट. एक तो इंट्रा है, एक है इंटर स्टेट. इंटर स्टेट, अब जहां तक इंटर स्टेट का सवाल है तो इंटर स्टेट के अंदर अब मान लेते हैं एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये है, करेक्ट. ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है. यहां पर एक ट्रेडर है T1 और यहां पर एक ट्रेडर है T2. ये दो डिफरेंट स्टेट्स में है. अगर इनके बीच में कोई सप्लाई ऑफ गुड्स की ट्रांजेक्शन या सर्विसेज की ट्रांजेक्शन होती है तो ये ट्रांजेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, इंटर स्टेट. इंटर स्टेट का मतलब है आउटसाइड द स्टेट, करेक्ट. इसके एंगल से ये स्टेट आउटसाइड द स्टेट है, इसके एंगल से ये स्टेट आउटसाइड द स्टेट है, isn't it? तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का बेसिकली मतलब हो गया आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट.
एक तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, जब ये दो टर्म से आपकी वाकिफियत हो जाएगी तो फिर आपके लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी होगा, करेक्ट। जैसे कि अब पॉइंट, चलो छोड़ो मैं पॉइंट को क्या करना, अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए या चलो मिस्टर टी जो है, टी वन ने कोई सामान खरीदा टी टू से, करेक्ट, और हम मान के चल रहे हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है विद इन द स्टेट है, ये जो ट्रांजेक्शन है विद इन द स्टेट है, करेक्ट, विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है। अगर ये विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब पहले तो ये ट्रांजेक्शन कौन सी कहलाएगी, इंट्रा स्टेट, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, इस ट्रांजेक्शन पे मान लेते हैं टी वन ने सामान परचेज करा टी टू से, तो इस ट्रांजेक्शन पे जो टैक्स लगेगा, वो कौन सा टैक्स लगेगा? अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है, चाहे वो परचेज की हो या सेल की हो, करेक्ट, इसके एंगल से परचेज है, इसके एंगल से सेल है, हम मान रहे हैं टी वन ने टी टू से सामान खरीदा, तो इन दोनों को, करेक्ट, बाद में हम देखेंगे इनपुट टैक्स आउटपुट, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जीएसटी इस पे अप्लाई होगी। अगर ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट है तो एक तो सेंट्रल जीएसटी और दूसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें दोनों अप्लाई होंगे, करेक्ट, दोनों अप्लाई होंगे। इज इट क्लियर टू यू? ये दोनों कैसे अप्लाई होंगे वो अभी बात का पॉइंट है, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस पे सीजीएसटी भी अप्लाई होगी, उस पे एसजीएसटी भी अप्लाई होगी। इज इट क्लियर टू यू? सीजीएसटी का मतलब ट्रांजेक्शन की या जीएसटी का वो रेवेन्यू जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और एसजीएसटी का मतलब वो रेवेन्यू जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। इस पे लेकिन दोनों अप्लाई होंगे अगर स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन होगी तो। इज इट क्लियर टू यू? अब मान लेते हैं कि जीएसटी का रेट, आपको पहले यह भी समझ में आना चाहिए, मान लेते हैं जीएसटी का रेट 18% है इस ट्रांजेक्शन पे या इस तरह के गुड्स पे, तो जो जीएसटी का रेट है उसका आधा गवर्नमेंट के पास जाएगा 9% और स्टेट गवर्नमेंट के पास आधा जाएगा। अगर जीएसटी का रेट 12% है तो इसका मतलब 6% इसके पास, 6% इसके पास जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले तो आपको इंटरेस्ट रेट का मतलब बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उसके बाद फिर मैंने कहा इंटर स्टेट। अब जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स होंगी, इंट्रा और इंटर का ध्यान बहुत रखना है। ये एक स्टेट है, यहां पर अब की बार टी वन एक ट्रेडर है, यहां पर एक ट्रेडर है, ये दूसरा स्टेट है। मान लेते हैं इस स्टेट का नाम एक्स है, इस स्टेट का नाम वाई है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई सेल परचेस की ट्रांजेक्शन हुई, हम सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं टी वन ने सामान खरीदा, करेक्ट, या इसने सामान सप्लाई करा, करेक्ट। जीएसटी का कॉन्सेप्ट दोनों पर अप्लाई होगा, ये नहीं कि इसी पर अप्लाई होगा जो खरीद रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, दोनों पर अप्लाई होगा, करेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, ये जो ट्रांजेक्शन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के दरमियान है या दो डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान है, या अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से कहूँ तो मैं कहूँगा ये आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन है, इसके पर्सपेक्टिव से कहूँगा तो मैं बोलूँगा ये आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन है, करेक्ट, इसलिए ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंटर का मतलब है दो स्टेट्स, दो डिफरेंट स्टेट्स। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो इंटर स्टेट होगी उस पर कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा, उस पे जो अप्लाई होगा उसको हम बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस पे सीजीएसटी अप्लाई नहीं होगा इस तरह के ट्रांजेक्शन पे, इस पे एसजीएसटी भी अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो आपको ये समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। अब एक दूसरा पॉइंट अगर आपकी समझ में आ जाता है तो समझ लो फिर तो मैं बस बहुत ही आसान सी चीज़ हो जाएगी।
बाद में मैं तुम्हें बोलूंगा कि ट्रेडर को जीएसटी की अकाउंटिंग के अंतर्गत कुछ लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, और जब मैं लेजर अकाउंट्स के नाम लूंगा ना तो तुमको थोड़ा सा एकदम अजीब सा भी लगेगा। जैसे मैं बोलूंगा इनपुट इनपुट जीएसटी, जैसे बोलूंगा इनपुट सीजीएसटी, मैं बोलूंगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, तो आप बोलोगे ये क्या है। ये सब चीज़ें समझाने से पहले तो आप देखें कि लेजर अकाउंट्स कौन कौन से आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। लेजर्स टू बी मेंटेन, लेजर्स टू बी मेंटेन्ड, कौन कौन से लेजर्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। लेजर्स टू बी मेंटेन्ड, करेक्ट। इसको कोई याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले तो आप घबराए मत। पहले तो आप मुझे ये बताओ कितने टाइप के सीजी, कितने टाइप के जीएसटी है। सर एक तो आईजीएसटी, राइट। आईजीएसटी किस पे लगता है, इंट्रा पे या इंटर पे? इंटर पे, आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन पे। उसके अलावा जो विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होती है उस पर सीजीएसटी भी लगता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना मेरे लिए आसान है, करेक्ट, और आपके लिए भी। और एसजीएसटी, क्योंकि एस और जी लिखा है, कई बार जी के लिए वर्ड गवर्नमेंट निकल आता है मुंह से, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमें पता है कि ये तीन ब्रॉड टाइप होती है। अब ध्यान क्या रखना है, मान लो अभी मैं बात कर रहा था इस वाले केस की, मैं बात कर रहा हूं, जस्ट वेट जस्ट वेट, ये फोन आ जाता है बीच में। हाँ, तो मैं बेटे बात कर रहा था कि तीन टाइप की ब्रॉड कैटेगरीज होती है, करेक्ट। तो कोई मुश्किल नहीं है, लेजर अकाउंट हर चीज़ का एक आसान तरीका होता है, बस उसको ढूंढना पड़ता है, तलाशना पड़ता है। आईजीएसटी मैं आपको दो मिनट में समझाऊंगा, आप चिंता ना करें, मेरे होते तो चिंता करने की अब आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इतना आपको एतबार मुझ पर होना चाहिए, है या नहीं है? यहाँ जो बैठे हो तो कह रहे सर नहीं है, आप क्या कहेंगे? नहीं है तुम्हें? अच्छा, क्या बोला है? ओहो, मुझे लगा कि तुम कह रहे हो नहीं है। आईजीएसटी, अब ध्यान से सुने, मैं क्या कह रहा था फोन के आने से पहले कि ये जो ट्रांजेक्शन है, अभी मैं जो ये केस ले रहा था, इंटर स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। मैंने आपको बताया कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होगी तो उस ट्रांजेक्शन पे आईजीएसटी अप्लाई होगा। मैंने ये भी कहा कि इसने परचेस करा है, जो सामान परचेस करेगा, जैसे मैंने सामान परचेस करा है तो वो वर्ड यूज करेगा इनपुट, करेक्ट। यानी कि मैं यूज करूंगा वर्ड इनपुट, और कैसे यूज करेंगे ये अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, चिंता मत करें। मैं यूज करूंगा वर्ड इनपुट जीएसटी, आईजीएसटी, इनफैक्ट जो परचेस कर रहा है वो तो यूज करेगा वर्ड इनपुट। अब बिकॉज इसने बेचा है, जो सप्लाई कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है इसका मतलब वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, जो परचेज कर रहा है इसका मतलब टेक्निकली वो जीएसटी पे कर रहा है, करेक्ट। मैं पे करने वाला हूं टी वन, तो मैं तो यूज करूंगा वर्ड इनपुट, जी इनपुट, करेक्ट। आप इसको सिंप्लिसिटी, जो वर्ड इनपुट है कंफ्यूज ना करें, आप इनपुट को ऐसे ले लें कि मैंने सामान खरीदा उस पर मैंने टैक्स पे करा तो मुझे वहां इनपुट यूज करना है। जिसने सामान बेचा, करेक्ट, उसने सामान बेचा तो वो यूज करेगा वर्ड आउटपुट आईजीएसटी। ये कैसे यूज होते हैं ये अभी मैं जब ट्रांजेक्शन लूंगा आपको मैं तब बताऊंगा, चिंता ना करें। अभी मैं सिर्फ आपको बताना क्या चाह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि आप, मैं सामान बेच रहा हूं, मैंने आपको 1,00,000 का सामान बेचा, मान लेते हैं आईजीएसटी का रेट 18% है, तो मैं आपसे 18% जीएसटी कलेक्ट करूंगा। बिकॉज मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट कर ली है तो ये मेरी लायबिलिटी है। अब आपको समझना ये भी है कि जो आउटपुट आईजीएसटी है, सर ये लायबिलिटी कैसे, ये तो आपके पास पैसा आ गया। अरे भाई, ये पैसा तुम्हारा थोड़ी है, ये पैसा गवर्नमेंट का है। आपने आईजीएसटी कलेक्ट करी, आपने आईजीएसटी जो कलेक्ट करी उसके लिए वर्ड होता है आउटपुट, यानी कि आप आउटपुट को सिनोनिमस मान लो कलेक्शन का। आईजीएसटी कलेक्टेड,
कलेक्ट कब करोगे? जब आप सामान बेचोगे या सर्विस कोई दोगे, तो तब आपके पास कुछ IGST का पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा आपने गवर्नमेंट को देना है, इसलिए ये आपकी लायबिलिटी है, ये भूलना नहीं है। आउटपुट का मतलब आपने कलेक्ट कर लिया, इनपुट का मतलब आपने पे करा, करेक्ट। अब ध्यान से सुने, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैंने 18,000 रुपये आपसे कलेक्ट करे, इज इट क्लियर? अब ये मैंने पैसा गवर्नमेंट को देना है। अब जो T1 है उसने क्या करा, उसने आपसे 1,00,000 का सामान परचेज करा, तो उसने आपको 18,000 दिए, भाई तभी तो आपने कलेक्ट करे। तो जो सामान खरीद रहा है उस पर जो GST पे कर रहा है, चाहे वो IGST हो, चाहे CGST हो, चाहे SGST हो, उसके आगे वर्ड इनपुट लिखा जाएगा। कोई भी ट्रेडर जो GST कलेक्ट कर रहा है, चाहे वो IGST कलेक्ट कर रहा है, चाहे CGST, चाहे SGST, तो वो यूज करेगा वर्ड आउटपुट। ध्यान में आपको अपने ये रखना है कि जो आउटपुट है किसी भी तरह के GST, चाहे वो IGST हो, चाहे SGST हो, चाहे CGST हो, वो एक तरह की आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा आपने गवर्नमेंट को देना है। जो आपने पे करा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इनपुट। अब ये इनपुट में लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट समझाने के एंगल से मैंने इसके आगे ए लिखा। ये एक तरीके का आपके लिए एसेट है। सर कैसी बात कर रहे हो, हमने पैसा पे करा है, आप बोल रहे हो आपके लिए एसेट है। ये एसेट इसलिए बेटा क्योंकि जो पैसा आपने पे करा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कुछ IGST कलेक्ट भी करा हो, भाई आप ट्रेडर हो, आप सामान खरीदते भी हो, बेचते भी हो। मान लेते हैं T1 ने कुछ सामान खरीदा, कुछ बेचा भी, तो जब इसने बेचा होगा तो कुछ इसकी लायबिलिटी भी बनी होगी ना। तो मैंने इसको एसेट क्यों बोला, क्योंकि जो मैंने IGST पे करी है, मैं T1 हूं, जो मैंने IGST पे करी, इसकी मैं रिकवरी बाद में कर सकता हूं। जो पैसा मैंने अभी आपको दिया है, जो मैंने T2 को दिया है, ऑफ कोर्स मैंने अपनी पॉकेट से दिया, ये पैसा मैं गवर्नमेंट से ले सकता हूं। गवर्नमेंट से हम कैसे ले सकते हैं वो अभी बात का विषय है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप इसको एसेट के रूप में लेके चलेंगे, इसको लायबिलिटी के रूप में लेके चलेंगे। आपने देखा हर तरह की IGST के लिए दो तरह के लेजर है, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेजर कौन कौन से बनेंगे। एक तो इनपुट, एक आउटपुट, फिर किसी भी टाइप की GST वो नाम लिख दो। इसी तरीके से जब CGST की बात आएगी तो इसमें भी दो लेजर अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, करेक्ट। तो बताने की मुझे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। एक तो है इनपुट CGST। आपने विद इन द स्टेट कोई सामान परचेस करा, आपने उस पर GST पे करी, तो जो GST आपने पे करी है आप लिखेंगे पहले तो CGST और उसके आगे इनपुट, क्योंकि जो सामान विद इन द स्टेट खरीदा जाता है, मैंने अब पहले वाले केस की अगर मैं बात करूं, एक ही स्टेट से मैंने सामान खरीदा किसी दूसरे ट्रेडर से, मैंने जो सामान पे खरीदा उस पर मैं दो तरह की GST पे करूंगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेटेड और एक SGST भी मैं पे करूंगा, करेक्ट। समझ में आया? हालांकि अभी तो मैं खैर ये लेजर अकाउंट की बात बता रहा था। एक तो इनपुट CGST और एक आउटपुट, अब मैंने यहां पर इनपुट लिख दिया, ये आउटपुट कर लेना, आउटपुट CGST, ट्रांजेक्शन बताते बताते मैंने यहां पर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हर तरीके की जो GST है उससे रिलेटेड दो लेजर हैं। आप देख रहे हो एक है इनपुट, एक है आउटपुट। जैसे SGST है तो एक तो जो SGST आपने पे करी उसके लिए आप लिखेंगे इनपुट SGST, जो SGST आपने कलेक्ट करी उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आउटपुट SGST, करेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रांजेक्शन के थ्रू ये समझा दूं तो आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा। लीजिए जी, अब मैंने आपको ये जो मैंने करा, पहले तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने क्या करा, करेक्ट। सपोज ये T1 है, सर कैसे नाम है आपके, कोई बात नहीं, ये T2 है। मान लेते हैं T1 ने सामान खरीदा है, परचेस, और मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए परचेस 1,00,000 की है, GST का रेट 18% है सिंप्लिसिटी के लिए। मान लेते हैं ये भी कि ये जो ट्रांजेक्शन है विद इन द सेम स्टेट है, यानी कि इंट्रा स्टेट है,
इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है, करेक्ट। अब मैं T1 हूँ, मैंने सामान खरीदा, तो मैं क्या एंट्री लिखूंगा? मैं लिखूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने का सामान मैंने खरीदा, मैंने सामान 1,00,000 का खरीदा, तो मैंने लिख दिया। बताओ जब विद इन द स्टेट है तो मैं कौन कौन सी GST पे करूंगा? सर इस पे दोनों तरह की GST अप्लाई होंगी, CGST भी और SGST भी, गुड। अब मैं पे कर रहा हूं, तो बिकॉज मैं पे कर रहा हूं, पहले तो आराम से देखो, आप एक तो पे करोगे CGST, एक आप पे करोगे SGST, करोगे या नहीं करोगे? कितना करोगे? जो GST की परसेंटेज है उसका आधा कर दो, बिकॉज आप पे कर रहे हो तो ये भी डेबिट होगा, 9,000, 9%, 9,000। अब आप पे कर रहे हो ना, तो आप इसके आगे इनपुट लिख दोगे। बात समझ में आ गई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था? इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये आपने पे करे हैं। जब भी आप पे करोगे तो आप उसके आगे इनपुट लिखोगे, समझ में आया? ऑफ कोर्स जिससे आपने सामान खरीदा वो कौन है? T2 है। वैसे आप चाहो तो T2 की जगह सप्लायर भी लिख सकते हो। इसका मतलब है कि आपने T2 को इतने पैसे देने हैं, 1,18,000। ये एंट्री किसकी बुक्स में हुई? T1 की बुक्स में। अब T2 अपनी बुक्स में कैसे एंट्री लिखेगा? T2 अपनी बुक्स में कैसे एंट्री लिखेगा ये भी जरा देख लो। अब T2 कौन है? सप्लायर है, करेक्ट। अब मैंने सामान बेचा, T2 ने T1 को सामान बेचा, तो मैंने T1 से पैसे लेने हैं ना, मैं T1 को डेबिट करूंगा, T1 अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो डेटर्स भी लिख सकते हो, करेक्ट। इससे मैंने पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं? एकदम से ये मत लिखना अभी, पहले तो आपने सामान बेचा, टू सेल्स, सेल कितने की करी आपने? 1,00,000 की। बिकॉज आप सामान सप्लाई कर रहे हो तो आप GST कलेक्ट करोगे T1 से। बिकॉज ये विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है, आप कौन सी टाइप की GST कलेक्ट करोगे? सर हम CGST भी कलेक्ट करेंगे और हम SGST भी कलेक्ट करेंगे, वेरी गुड। कलेक्ट कितनी करोगे? 18% का हाफ। इसका मतलब ये जो कलेक्ट कर रहे हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इतनी कवर कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर इतनी आप कलेक्ट कर रहे हो। बिकॉज अब की बार आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कलेक्ट के लिए क्या वर्ड यूज करा था? आउटपुट। समझ में आया? यानी कि जब आप GST कलेक्ट करते हैं तो तब आप आउटपुट वर्ड यूज करते हैं। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। कुछ लम्हा पहले मैंने ये भी कहा था, अब ये टोटल इनवॉइस जो बनेगी 1,18,000 की, इसका मतलब T1 क्या करेगा? 1,18,000 रुपये, सॉरी ये T2 क्या करेगा? 1,18,000 रुपये T1 से कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद 1,00,000 तो अपनी पॉकेट में रख लेगा, 9,000 रुपये वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। उसको देने का एक तरीका होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बोलते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल में बनाना पड़ता है, वही बात का पॉइंट है। और इसी तरह से 9,000 वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ये पैसा T2 का नहीं है, ये T2 के लिए लायबिलिटी है। ये आपको समझना है, जो मैं उस वक्त बात बता रहा हूं ना, ये बात आपकी समझ में आ गई फिर तो कुछ है ही नहीं, ये लायबिलिटी है। अब मैंने कहा था, अब मैं अपने आप को T1 मान रहा हूं, मैंने ये पे कर दिया, मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना पे कर करके आपको पे कर दिया, आप T2 है और ये पैसा आप गवर्नमेंट को देंगे, बात एक ही है। अब क्या है कि जो पैसा मैंने पे करा है ना, मैं इसके आगे ए लिख रहा हूं, टेक्निकली ये एसेट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, आप इसको एसेट मान के चलेंगे। एसेट क्यों मान के चलेंगे? क्योंकि ये जो आपने पैसा पे करा है, इसकी रिकवरी आप हासिल कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि रिकवरी कैसे हासिल करेंगे, वो मैं नेक्स्ट सेशन में जब बहुत सारी इलस्ट्रेशंस लूंगा, करीब मैंने 15-16 इलस्ट्रेशंस ट्रांजेक्शंस लूंगा, उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि सेट ऑफ कैसे होता है। पर अभी आपके दिमाग में सिर्फ ये बात आनी चाहिए जो मैंने बताई कि काइंड्स ऑफ जीएसटी, लेजर्स, और लेजर्स के आगे जो वर्ड होते हैं इनपुट आउटपुट, इसका बच्चों को मैंने देखा कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये इनपुट आउटपुट जो है ना, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आइए जी,
अब इनपुट और आउटपुट की कहानी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि रही सही कसर भी हम पूरी कर देते हैं। अब जरा मान के चलें, करेक्ट, चलो इसको मैं वन कर देता हूँ। अभी मैंने कहा था रिकवरी के बारे में, मैंने कहा ये रिकवरी का पॉइंट भी मैं क्लियर ही कर दूं। अब जरा यहां ध्यान दें, मान लेते हैं ध्यान से सुने, ये टी वन ही है और ये टी जीरो, ये टी टू ही है, जीरो कहां से निकल गया, दोनों सेम स्टेट में है तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट, चलो अभी मैं बाद में लिख दूंगा। मान लेते हैं टी वन ने टी टू से सामान खरीदा, करेक्ट, परचेजेस करी 1 लाख की, मैं जानबूझ के उन्हीं फिगर को रखना चाहता हूं, परचेजेस 1 लाख की करी। हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जीएसटी का रेट 18% है, इनफैक्ट अगर मैं कभी जीएसटी का रेट नहीं भी लिखूं तो आप 18% ही मानना, हालांकि वो 12% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, करेक्ट। 1 लाख का सामान टी वन ने खरीदा, इस 1 लाख के सामान को खरीदने के बाद टी वन ने क्या करा, ध्यान से सुने, 1 लाख का सामान टी टू से खरीदा और खरीदने के बाद सोल्ड, इसने इसको बेच दिया, सोल्ड टू टी थ्री, टी थ्री को बेचा, और टी थ्री को पता है कितने में बेचा, मान लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए हमने बेचा 1,50,000 में, चलो इसका मतलब अब की बार टी टू की दो, और ये हम सिंपलिसिटी के लिए मान रहे हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट है, जो मैं ये बॉक्स बना रहा हूं ना आप समझ लेना कि ये क्या है, विद इन द स्टेट है, ये पूरा एक स्टेट है और इस स्टेट के अंदर ही ये तीनों ट्रेडर्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये सारी ट्रांजेक्शन चाहे सेल की हो या परचेज की हो, ये ट्रांजेक्शन जो है वो कौन सी ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट है, यानी कि इंट्रा स्टेट पे अप्लाई जीएसटी कौन सी होती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब मैं जरा इसको समझाता हूँ, क्योंकि अब की बात टी वन की दो ट्रांजेक्शन है तो मैं अब बेटर पोजीशन में होऊंगा आपको समझाने के कि सेट ऑफ कैसे करा जाता है, यहाँ समझें। हालांकि मैंने कहा अभी आप जब अपकमिंग सेशंस देखेंगे मैंने उसमें 15-16 ट्रांजेक्शंस लिए और बहुत ज़्यादा आपको इक्विप करा हुआ, आप बिल्कुल चिंता मत करें, उसमें बहुत डीपली चर्चा करी गई है तमाम चीज़ों की। लेकिन अब मैंने कहा कई बार बच्चों को लगता है अभी बता दो तो इस कारण से आइए टी बुक्स ऑफ, अब जरा रेड पेन हमने इतनी देर से अभी तक उठाया नहीं, बुक्स ऑफ टी वन, ये लो जी बुक्स ऑफ टी वन। टी वन ने पहले तो सामान खरीदा, जो उसने सामान परचेज करा फॉर परचेजेस उसकी क्या एंट्री होगी, सामान परचेज करा तो सर परचेजेस को तो आप डेबिट कर ही दो, अब तुमने कहा तो मैंने कर दिया, नहीं तो मैं तो सेल्स को करने वाला था, खैर एनी वे परचेजेस हमने करी 1 लाख रुपए की करी तो मैंने ये एंट्री लिखी 1 लाख। मैंने टी टू से सामान खरीदा, विद इन द स्टेट खरीदा, इस पर दो तरह की मुझे जीएसटी पे करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं पे कर रहा हूं तो मैं अब इनपुट लिखूंगा, इनपुट एक तो मैं सीजीएसटी पे करूंगा और एक मैं एसजीएसटी पे करूंगा, एसजीएसटी जो मैंने सामान परचेज करा उस पर 9% मैं उस ट्रेडर को दूंगा जिससे मैंने सामान परचेज कराया और वो ट्रेडर वो पैसा गवर्नमेंट को देगा, 18% आधा आधा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये रूल है, आधा सेंटर का आधा स्टेट का, जिससे आपने सामान खरीदा उसका नाम लिख सकते हैं या सीधा सप्लायर भी लिख सकते हैं। 1,18,000 रुपए की इनवॉइस आपकी बन गई, इसका मतलब है कि आपने टी टू को इतने पैसे देने हैं, नंबर वन। अब की बार सामान खरीदने के बाद आप बेच भी रहे हैं, आपने सामान विद इन द स्टेट बेचा, आपने टी थ्री नाम के एक शख्स को या ट्रेडर को सामान बेचा, जब आप बेचेंगे ना ये अमाउंट कभी भी एकदम से नहीं लिखना चाहिए, आप एकदम से 1,50,000 मत लिख देना, फिर नहीं तो आपको काटना पड़ेगा, पहले आप आराम से लिखो कि आपने बेचा कितने में, सर हमने बेचा तो है 1,50,000 में, राइट 1,50,000, ओहो 1,50,000 बेच रहे हैं, विद इन द स्टेट बेच रहे हैं, विद इन द स्टेट बेच रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है।
विद इन द स्टेट बेच रहे हैं तो दो तरह की जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे, लेकिन आप कलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए आप वर्ड आउटपुट यूज करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। समझ में आ गया आउटपुट और इनपुट का पहले तो कॉन्सेप्ट। अब 150,000 का, एक सेकंड, 150,000 मैथ्स आजकल हमारी बहुत खराब हो गई है, बिना कैलकुलेटर के काम ही नहीं होता। 13,500 नौ प्रतिशत 150,000 का, तो 27,000 और 150,000, 1,87,000, नहीं 1,77,000। ये इनवॉइस मैं बना के दे दूंगा T3 को कि भाई मैंने, आप मेरे को 1,77,000 रुपये देंगे, इसका मतलब मैंने ये पैसा कलेक्ट कर लिया किस से, T3 से। मैं कौन हूँ? T1 हूँ। मैंने जो पैसा कलेक्ट करा है ना, या जो GST, जब मैं पैसा कलेक्ट बोलूँ तो आप GST वर्ड यूज़ करना, बोलने में पैसा ईजी होता है। मैं जानता हूँ कि ये मेरी लाइबिलिटी है। अब ध्यान से सुने, जरा ध्यान से सुनना इस बात को, आपकी लायबिलिटी जरा इस पॉइंट में जानबूझ के स्पेस छोड़िए, वर्किंग, मेरे को बताओ आपकी लायबिलिटी कितने की है। सर लायबिलिटी का मतलब, लो जी बच्चे पूछ रहे लायबिलिटी का मतलब, सारी कहानी पढ़ाई और फिर बोल रहे हो सर कहानी का नाम क्या था। लायबिलिटी का मतलब आउटपुट GST। पहले तो अपनी दो एंट्री में देखो आप आउटपुट वर्ड कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। एक तो है आउटपुट सीजीएसटी, ये आपकी लायबिलिटी है, आपने पैसा कलेक्ट करा तो गवर्नमेंट को देना है। एक आपकी एसजीएसटी है, एसजीएसटी ये पैसा भी आपने गवर्नमेंट को देना है। ये बातें आपकी समझ में आ रही है बाबा? नहीं आ रही, आ रही है। ये मेरी लायबिलिटी है, बात समझ में आई? लेकिन गवर्नमेंट कहती है भाई आपने, नो डाउट अबाउट डैट, इतना पैसा बिकॉज आपने इतनी कलेक्ट करी है तो ये पैसा आप हमें देंगे। अब गवर्नमेंट आपको कहती है आपने पे कितनी करी है। अब आप यहां देखोगे इनपुट, आपने कुछ तो माल परचेस भी करा था ना, उसका क्रेडिट आप अब ले सकते हैं। इस क्रेडिट को लेने को सेट ऑफ बोलते हैं। अगर मैं डायरेक्टली सेट ऑफ बोलता वो कभी जिंदगी में आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक मिनट में अब आपको आ जाना चाहिए। अब इनपुट जीएसटी का, इनपुट टैक्सेस का जब मैं क्रेडिट लूंगा, दैट इज नथिंग बट सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है अपनी लायबिलिटी को अपने रिकवरेबल अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना। देखो मेरी लायबिलिटी तो सीजीएसटी की इतनी है। अब जरा ध्यान से देखें यहां पर, अब मैं यहां पर लिखूंगा लेस इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी एक तो सीजीएसटी है, तो 9,000 रुपये आप यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, और ये 9,000 है ये यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है गवर्नमेंट को आप नेट सीजीएसटी कितनी पे करेंगे। गवर्नमेंट को आप पे करेंगे 4,500। बात समझ में आई या नहीं? ये आपकी नेट पेमेंट है सीजीएसटी की, और एससीएसटी की पेमेंट कितनी है 4,500। आपने गवर्नमेंट को टोटल 9,000 देने हैं। वेट, जब आपने अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करा तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले तो ये भी आना चाहिए ना, एंट्री क्या होगी? याद रखें, ये मैं अभी आपको एक प्रीव्यू हल्का सा दे रहा हूँ, मैंने कम से कम 27 या 20 इलस्ट्रेशन, 20 नहीं भी होंगे तो 15 तो मैंने करूँगा, करेक्ट 20 से 15 तक हम इलस्ट्रेशन आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। अब ध्यान से सुने, आउटपुट जीएस, सपोज मेरी कोई इनपुट नहीं होता, लीजिए जी मैंने इसके आगे क्या रखूं, कुछ है नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब सपोज मेरे पहली एंट्री करी नहीं होती तो मुझे गवर्नमेंट को 13,500 पे करने पड़ते ना भाई, आउटपुट सीजीएसटी मुझे पे करने पड़ते अगर मेरी कोई इनपुट ही नहीं होती। तो मैं सेट ऑफ की एंट्री कैसे लिखूंगा, आउटपुट सीजीएसटी, करेक्ट, 13,500 मुझे पे करने थे। वेट, 13,500 मुझे पे करने थे, लेकिन 13,500 में से
13,500 मैंने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने थे, लेकिन इस केस में मैंने 13,500 की लायबिलिटी में से कुछ हिस्सा एडजस्ट कर लिया क्योंकि मेरी कुछ इनपुट CGST भी है। तो देखो यहाँ इनपुट CGST डेबिट हो रही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रेडिट कर रहा हूँ टू इनपुट CGST। मैंने ये कितना अमाउंट है 9,000, तो मैं 9,000 लिखूंगा। जो मैंने ये स्टेप करा ना वो मैं अब एंट्री के थ्रू कर रहा हूं। तो तुमने क्या देखा, इस स्टेप के करने से ये 13,500 की लायबिलिटी 9,000 से कम हो गई, तो अब मैं 4,500 गवर्नमेंट को दूंगा। कैसे दूंगा अभी मैं बताता हूं, लेकिन मुझे सेट ऑफ की एक एंट्री और करनी पड़ेगी। ये जो आउटपुट SGST है, आउटपुट SGST, उस इस लायबिलिटी में से इतना आपने एडजस्ट कर लिया 9,000 रुपए, तो ये आप यहां पर लिखेंगे इनपुट SGST 9,000। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अब आउटपुट CGST और आउटपुट SGST में जो नेट क्रेडिट बैलेंस बच रहा है वो 4,500 और 4,500 बच रहा है, ये आपने गवर्नमेंट को देना है। इनको देने का तरीका क्या है, इसको हम बोलेंगे फाइनल पेमेंट की एंट्री, वो मैं यहां लिख रहा हूं फाइनल पेमेंट। कैसे करेंगे, हालांकि ये सब चीजें मैंने कहा बहुत बार अभी रिपीट होंगी, चिंता मत करें, मैं सिर्फ बात समझाने की कोशिश कर रहा था इनपुट और आउटपुट। अभी मेरा इस सेशन में मेन मुद्दा ये सेट ऑफ वगैरह भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ टर्म्स से बेसिकली वाकिफ कराना चाह रहा था जो मेरा मकसद था, और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हुए होंगे। अब फाइनल पेमेंट जब मैं करूंगा तो आउटपुट सीजीएसटी मुझे अभी पे करनी है 4,500, 13,500 पे करनी थी, 9,000 एडजस्ट हो गए। इसी तरह से आउटपुट CGST मुझे जो सॉरी SGST जो मुझे पे करना था 13,500, 9,000 एडजस्ट हो गए। सर अब क्या लिखेंगे, टू कैश? नहीं, एकदम टू कैश नहीं लिखते हैं, क्योंकि कैश का आदान प्रदान ही नहीं होता है। इसको क्या लिखते हैं, ECL। मैंने तुम्हें कहा था करेक्ट, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाके मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट अपना खोलना पड़ता है, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, और ये ECL बाद में फुल फॉर्म आएंगी, चिंता मत करें। तो वहाँ ये पैसा मैं डिपॉजिट कर देता हूँ, तो इस तरीके से 9,000 रुपये जो है मेरी पेमेंट बनी जाएगी। ये कहानी है GST की। मुझे उम्मीद है कि GST के बारे में आपको पूरा प्रीव्यू अब पता लग गया होगा, सेट ऑफ के बारे में भी, इनपुट आउटपुट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, विद इन द स्टेट आउटसाइड द स्टेट अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो फिर GST आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आने वाले सेशंस में फिर आपसे मुलाकात होगी, इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है।